तो बोन मील फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको तीन एरिया ऊपर का चाहिए, मतलब तीन ब्लॉक हाई चाहिए। उसके बाद जो है पीछे ब्लॉक लगा देने और ऊपर भी थोड़े से ब्लॉक लगा देने एक एक के ऊपर। फिर आपको लेना है पिस्टन्स और ऑब्जर्वर। तो पिस्टन आपको पहले इस साइड मूव करके जो है लगा देना है, और फिर देख लीजिए क्या बोलते हैं ऑब्जर्वर को, जहाँ पे लगाया है मतलब जिस एरो में लगा रखा है ऑब्जर्वर वैसे ही लगाना है आप लोगों को। और इस सारे एरिया को जो है ग्लास से ढक देना है। और बाकी मैं स्पीड में गया 2x स्पीड में जो है जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऐसे एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स टाइप का। उसके बाद जो है आपको जो पीछे के दो पिस्टन थे पिस्टन के ऊपर ब्लॉक लगा के उस पर रेड स्टोन रख देना है, मतलब लगा देना है। और वो नीचे से वो चेस्ट लगा देना है, चेस्ट। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ इसको भी, ये हटा देते हैं तीन ब्लॉक जो लगाए थे ऐसे ही। फिर आपको चेस्ट लगाना है, चेस्ट में लगा देता हूँ। उसके बाद चेस्ट को हॉपर से कनेक्ट कर देना है इस साइड में, इस साइड फेस करके। और फिर आपको जो है कंपोस्टर चाहिए, कंपोस्टर को नीचे लगा देना है। इसके बिल्कुल नीचे लगाना है। उसके बाद हॉपर लेके उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर नीचे का जितना भी एरिया मैं हटा देता हूँ ताकि चेस्ट में सब कलेक्ट होता जाए। चेस्ट लगा देना है आपको नीचे, फिर उसको नीचे से ऐसे इस साइड एरिया के ऊपर करके हॉपर लगा देना है। फिर जो है ऊपर का हटा देता हूँ सबसे पहले दिखाने के लिए। पानी रख देना आपको मतलब ऊपर, और फिर कैल्प जो होती है कैल्प नीचे लगा देनी। कैल्प कहाँ गई, ये रही कैल्प। अब मैं लगा देता हूँ नीचे जल्दी से, कैल्प लग गई है जैसे कि हम देख सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ऐसे ही करके कैसा लग रहा है देखने में, और चाहे आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक से चाहिए तो। और मैं कैल्प डाल के दिखाता हूँ इसके अंदर, नीचे अपने आप ही जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बढ़ रहा है अपने आप। और अब मैं चेस्ट जैसे ही ओपन करूँगा तो उसके अंदर बोन मील मिलेगी। तो इस तरह से काम करता है। और अगर आप लगे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से, और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा।